और ली एम्पथी में 1046 पर पहुंचा था अपना। ये लास्ट टाइम किया था। अभी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करना है ना। ये लास्ट टाइम किया था आपने। क्या है? द प्रोलिफरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अ ग्लोबल कंसर्न विथ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डैश अप इन लैंडफिल्स एंड ओशंस एनुअली। प्रोलिफरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अगर कंपोजिशन मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाते ना प्लास्टिक वेस्ट, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक लैंडफिल्स में ओशंस में एनुअली आ जाते हैं। तो उसमें आएगा एंडिंग अप ऑब्वियसली लास्ट में घूम फिर के वहीं आता है एंडिंग अप लैंडफिल्स एंड ओशंस एनुअली। रिसाइकलिंग एफर्ट्स आर क्रूशियल इन डैश द इश्यू। तो रिसाइकल करना पड़ेगा इसके लिए, तो इस इश्यू को खत्म करने के लिए। तो खत्म करने में क्या आएगा? फोरकास्टिंग, एम्फोसाइजिंग, विटनेसिंग, ग्रोविंग, इंस्पायर्ड ऑफ ब्यूटी, कोई नहीं एक ही बचा है मिटिगेटिंग। अगर इसका मीनिंग भी नहीं पता तो भी आप डाल देना मिटिगेटिंग। येट दे फेस चैलेंजेस डैश द वराइटी, येट दे फेस चैलेंजेस। रिसाइकलिंग एफर्ट्स आर क्रूशियल इन मिटिगेटिंग दिस इश्यू, येट दे फेस चैलेंजेस क्योंकि वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स और कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसलिए बिकॉज ऑफ द फेस फिर भी वो चैलेंजेस फेस करते हैं इसके कारण, वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स के कारण। तो बिकॉज ऑफ तो ड्यू टू डाल देते हैं, ड्यू टू द वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स रीजन है, या यहाँ रीजन दिया गया है। तो चैलेंजेस फेस भी करते हैं तो यहाँ रीजन दिया गया है। इनोवेशन इन बायोप्लास्टिक्स एंड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज होल्ड प्रॉमिस फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट, कॉमा हमेशा आई एनजी आ गया ना। अब इसमें एम्फोसाइजिंग और फोरकास्टिंग में हो सकता है क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है सस्टेनेबल, तो हमने देख लेते हैं। इनोवेशन इन बायोप्लास्टिक एंड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज होल प्रॉमिस फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट, एम्फोसाइजिंग द नीड फॉर प्रोनाउंसिएशन में ये मैच कर रहा है, आपने डाल देते हैं ठीक है, सारा सही है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स, बायलिंगुअल का मीनिंग है जिन लोगों को दो से ज्यादा लैंग्वेजेस आती है उनको बोलते हैं बायलिंगुअल, जो दो से अपने मल्टीलिंगुअल है ना, इंग्लिश हिंदी गुजराती, तो अपने मल्टीलिंगुअल्स मोस्टली इंडियंस मल्टीलिंगुअल है में ये थोड़ा अजीब है ना पहला वाला, छोड़ देता हूँ। रिसर्च स्टडी सजेस्ट दैट बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस ट्रेड ऑफ इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाइल द बेनिफिट फ्रॉम द एबिलिटी टू स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस। इसलिए बायलिंगुअल एक से यहाँ स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस, यहाँ से वहाँ स्विच कर सकते हैं। दिस कम्स विथ अ पोटेंशियल स्लाइट डिले इन अ वर्ड रिट्रीवल। डिले तो मीनिंग है मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लमेटिक शब्द होना चाहिए। तो यहाँ एज ए नेगेटिव शब्द कौन सा है? डाउन साइड, अ पोटेंशियल डाउन साइड कौन सा, क्या क्योंकि यहाँ नेगेटिव बात अचानक चालू हो गई, तो यहाँ कोई नेगेटिव का उसका मतलब क्या होता है, उसका एक डिवाइसिस वर्ड इन्वॉल्व होना चाहिए है ना। स्लाइट डिले इन अ वर्ड रिट्रीवल कंपेयर टू मोनोलिंगुअल स्पीकर्स, दिस ट्रेड ऑफ अ रिजल्ट ऑफ मैनेजिंग टू लिंग्विस्टिक सिस्टम हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लैंग्वेज कॉग्निशन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है, ऑब्जर्व थोड़ी होता है, एक्सपीरियंस। यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, तो लैंग्वेज का नेचर होता है ठीक है। कॉम्प्लेक्स अजम्पशन, अजम्पशन का मीनिंग है कोई ऐसे अज्यूम करके बैठना कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, ये ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है तो नेचर ही आएगा। और यहाँ है रिसर्च स्टडी सजेस्ट दैट बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स में
ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस दोनों में से हो सकता है कुछ। पर यहाँ लोगों की बात हो रही है और जिन लोगों के पास दो लैंग्वेजेस है तो वो ऑब्वियसली खुद को अपने एक्सपीरियंस करते होंगे ना, मैं ऐसे सोच के डाल रहा हूँ। खुद कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हाँ ना, ऑब्वियसली सही है। नेक्स्ट क्यूजीन, तो मैक्सिकन इटालियन जो होता है ना, हैज बीन इवॉल्विंग सिंस द डॉन ऑफ टाइम। सिंस द डॉन ऑफ टाइम वी हैव बीन लिविंग फॉर द सर्वाइवल, है ना। सिंस द डॉन ऑफ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस सिंस वो सब सेम टू सेम है ना। यहाँ नीचे देखने की जरूरत नहीं, और कौन सा आएगा, ये सिंस ही आएगा, सिंस द डॉन ऑफ टाइम। ये फ्रॉम भी हो सकता है ना, पर हैव बीन लिखा है और आईएनजी है तो मुझे लगता है सिंस आएगा। हैव बीन हैज बीन आईएनजी के साथ हमेशा कौन सा वाला, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आयरनिकली व्हाइल वी इन द मॉडर्न एरा के बाद, आयरनिकली व्हाइल वी कलिनरी प्रैक्टिस, तो यहाँ सीज है, ये कलिनरी प्रैक्टिस है ना, मतलब कलिनरी का मीनिंग है कि ऑब्वियसली कुकिंग फूड, कुकिंग फूड ना, उसको कलिनरी बोलते हैं। कल्चरल न्यूआंसेस, व्हाइल वी इंप्लीमेंटेड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल रेसिपी, इंप्लीमेंटेड तो नहीं आएगा, व्हाइल वी रिलिश द हिस्ट्री ऑफ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं छोड़ देता हूँ। वी ऑफ्टन नोज दिस टर्न अप, नोज है ना डिश में, नोज तो कैसा होता है, टर्न अप होता है ना, हम स्मेल करने के लिए क्या होता है, टर्न अप होता है, तो फील्स फील के साथ डाल रहा है अपना। दिस रिफ्लेक्ट्स अ स्टक इन द मॉड एटीट्यूड, सम फूड क्रिटिक्स इवन आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल क्यूजीन इज फेडिंग अवे, इफ नॉट फेडिंग अवे, बीइंग स्लोली being slowly, यहाँ as a being use हुआ तो मैं ED डाल रहा हूँ, being slowly diluted by relentless tide of fusion and innovation, dilute develop, ऐसे गोल मिल रहा है। अभी रैलिश डाल देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है रैलिश आएगा इसमें, since the हाँ सब फील अंदर से, कई बार ऐसा अंदर से आंसर आएंगे कि यही डाल दो, है ना। एक दो और कर लेते चलो। बटरफ्लाई इज लाइक मोथ्स आर नॉट यूजली अट्रैक्टेड, पैसिव सेंटेंस, टू आर्टिफिशियल लाइट, व्हाई इज देयर डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड। तो बटरफ्लाई और मोथ्स, मोथ्स का मीनिंग है कि वो जिनके पीछे वो थोड़े थोड़े लाइट लाइट होते हैं ना, तो उनको स्पीसीज है, वो दोनों एक स्पीसीज है, बटरफ्लाइज और मॉथ्स दोनों स्पीसीज है, तो क्लोजली रिलेटेड, बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड, बिटवीन ये दोनों की बात हो रही है, तो बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। द आंसर में लाई इन द इन देयर इवोल्यूशनरी पाथ एंड इकोलॉजिकल नीश, बटरफ्लाइज बीइंग डायगोनल क्रिएचर्स हैव इवॉल्व्ड टू नेविगेट यूजिंग द सन, आर्टिफिशियल लाइट्स डू नॉट प्रोवाइड द सेम क्यूज, डैश डैश देयर लैक ऑफ अट्रैक्शन। ये थोड़ा अजीब है, मैं छोड़ देता हूँ। दिस ये बिहेवियर के अंदर कुछ है उनके पास, कुछ अलग सा, तो मैं डिस्टिंक्शन डाल देता हूँ। दिस डिस्टिंक्शन इन बिहेवियर अंडरस्कोर द डाइवर्स डेस्ट स्ट्रेटेजीज इवोल्व बाय दीज क्रिएचर्स ओवर मिलेनिया। तो मिलेनिया का मीनिंग है 1000 ईयर्स, है ना, तो 1000 ईयर्स से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी इवॉल्व की है, तो वो 1000 ईयर्स से अभी तक जिंदा है, तो मैं ये सोच के यहाँ सर्वाइवल डाल रहा हूँ, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी उन्होंने पैदा कर दी ना वहाँ कहाँ से कहीं से।
हैंड्स में डाल देता हूँ यहाँ, हैंड्स वाला कॉमा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ एज ए मोस्टली टारगेट द लेक ऑफ अट्रैक्शन, नहीं नहीं मुझे लग रहा है यहाँ हैंड्स आएगा, गलत तो गलत, सही है ठीक है यही तो रखता है। चलो चार बज गए, आज का दिन थोड़ा वो बहुत ही हार्ड, आज उल्टा हो गया ना, आज मोस्टली रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक जो सबसे हार्डेस्ट होती है हम मोस्टली अपने सही हुए, पर रीडिंग राइटिंग में आज बहुत अजीब अजीब थे क्योंकि बहुत पर्सनल और ओपिनियनिक पैराग्राफ्स थे ना, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तू भी अपने अच्छे खासे 7x5 6x4 इतने तो सही थे ठीक है। चलो सी नेक्स्ट टाइम।